इट मीन दैट कमोडिटी इट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड और इट कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट लेस देन दैट प्राइस हाँ उस प्राइस से अबव पे देर इज एन ऑप्शन कि वो प्राइस हायर हो और वो कमोडिटी जो है उस हायर प्राइस पे मार्केट में सेल हो सके सो तो अब प्राइस के ऊपर कोई कदगर नहीं है दैट कैन बी ऑब्जर्व लेकिन उससे बिलो पर यह नहीं हो सकेगी इट कैन बी अ कमोडिटी इट कैन बी अ लेबर अब अगर हम यहाँ पे देखें तो दो बहुत टर्म्स क्लियर सी हैं जो आप लोगों के लिए बहुत फेमिलियर होंगी अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि मिनिमम वेज प्राइस या मज़दूर की कम से कम उजरत तो ये एक जनरली हमारे लेबर पॉलिसी का हिस्सा है जिसमें गवर्नमेंट किसी भी मज़दूर की कम अज़ कम एक दिन की या महाना उजरत को तय करती है कि किसी को भी कम अज़ कम वेन आईवर द प्रोड्यूसर्स दे आर गोइंग टू हायर वो इससे कम पर हायर ना करें तो अब अगर ये देखें तो ये एक वो प्राइस कॉन्स्ट्रेंट है जो एंट्रप्रेन्योर को फेस करना पड़ता है कि वो उससे कम पे कभी भी उस लेबर को हायर नहीं कर सकता और ये भी पॉसिबल है कि कंपेटिटिव मार्केट में जो अगर हम नेचुरल प्राइसिंग की बात करें सप्लाई एंड डिमेंड को देखते हुए हो सकता है जो प्राइस मार्केट में हो वो उस मिनिमम वेज से भी नीचे हो और वो उसको उस कम कीमत पे भी लेबर मिल सके लेकिन इस रेगुलेशन की वजह से या इस कॉन्सट्रेंट की वजह से द एंटरप्रेन्योर या प्रोड्यूसर वो बाउंड है कि वो जब भी हायर करेगा अपनी लेबर को वो उसको एटलीस्ट इतनी मिनिमम वेज ज़रूर देगा और इसी तरीके से कोई और इनपुट भी ऐसा हो सकता है जिसके लिए मिनिमम प्राइस तय की जाती है और ये मोस्टली प्राइस जब भी डिसाइड की जाती है इसके पीछे एक फिनोमिना होता है मीन्स द प्रोड्यूसर्स समटाइम हम प्रोड्यूसर को ही सेफ गार्ड भी कर रहे होते हैं अब वो किस फॉर्म में है लाइक दिस द प्राइस ऑफ एनर्जी द प्राइस ऑफ फ्यूल एंड द प्राइस ऑफ द केमिकल दे आर एनहांसिंग और एस्केलेटिंग डे बाई डे और आज कल के ही सीजन में अगर हम देखें तो मुख्तलिफ़ पाकिस्तान में हमारे पास डिफरेंट क्रॉप्स में द वीट वो प्राइस है जिसके साथ मिनिमम फ्लोर प्राइस जो है वो हम अटैच करते हैं अब वो मिनिमम फ्लोर प्राइस क्या है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द स्पोर्ट प्राइस अब वो जो स्पोर्ट प्राइस है वो किस लिए उसका नाम स्पोर्ट रखा गया है तो यहाँ पे हम देखें तो डिफरेंट गवर्नमेंट uh, के ऑस्पेक्ट्स में मार्केट इंटरवेंशन की वजह से या एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन क्या करता है टू सेफ गार्ड और द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स जो वीट को जो फार्मर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उसके लिए एक मिनिमम प्राइस तय कर देगा ताकि उसकी एटलीस्ट कॉस्ट कवर हो सके और उस कॉस्ट के कवर होने के साथ एटलीस्ट एक जो नेचुरल या नॉर्मल प्रॉफिट है वो उस वीट के प्रोड्यूसर को मिल सके क्यों क्योंकि अगर उसको वो एंश्योर नहीं किया जाएगा तो देन इट विल नॉट बी पॉसिबल कि नेक्स्ट सीजन के लिए वो दोबारा उस सिस्टम में आए और प्रोडक्शन प्रोसीजर को फॉलो कर सके एंड इफ सर्टन प्रोड्यूसर्स दे विल बी आउट ऑफ दैट प्रोडक्शन सेटअप दैन इट विल बी डिफिकल्ट इन द नेक्स्ट सीजन के हमारे आउटपुट को हम उस लेवल पर अटेन कर सकें सो दीज मिनिमम फ्लोर प्राइसेस दे आर सेट माइट बी टू कवर द सर्टन प्रोड्यूसर्स और माइट बी जस्ट फॉर सर्टन इनपुट्स के लिए भी हम जिस तो हमने लेबर की बात की तो हम उनके लिए भी तय करते हैं और ये एज ए प्राइस कॉन्स्टेंट एंटरप्रन्य के लिए समटाइम्स वो इसको फेस करता है अब अगर हम देखें तो ये दोनों प्राइसिस का ग्राफ की फॉर्म में देखें तो हम अगर देखें तो मार्केट में देर इज द पॉसिबिलिटी वेन एवर वी सेट इट इज द डिमेंड फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट और द ऑफ द कमोडिटी और उसी कमोडिटी की ये मार्केट में उसकी सप्लाई कर हमारे पास मौजूद है और अगर हम देखें तो इन दो पॉइंट्स पे अगर ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे तो ये उसकी सप्लाई प्राइस है और ये है उसकी डिमांड प्राइस अब इस सप्लाई और डिमांड प्राइस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक गैप नज़र आता है इट मीन्स मोर ऑफ द अमाउंट इज देयर एंड दैट इज एक्सेस दैन द कंज्यूमर डिमांड ये मार्केट में प्रिवेल कर रही है और किस फॉर्म में है ये उस प्राइस पर है जब हमने उसको फ्लोर प्राइस ऑफ़र की है लेकिन अगर हम उस फ्लोर प्राइस पे ऑफ़र नहीं करते और उसको नेचुरल मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देते हैं तो प्राइस तो यकीन हो सकता है कि उससे भी लो हो जाए इस फॉर्म में आ जाए और जहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड नेचुरली इक्वेट करें और ये उसका इक्ब्रियम पॉइंट हो लेकिन इस नेचुरल इक्ब्रियम पॉइंट के ऊपर प्राइस तो लो हो जाए लेकिन मार्केट में जो इकोनोमी में प्रवेलिंग अमाउंट ऑफ आउटपुट है वो कम हो जाए एंड ऑन द अदर साइड हम चाहते हैं कि वो आउटपुट ज़्यादा हो तो इस फॉर्म को एनहांस करने के लिए देर इज ऑनली पॉसिबिलिटी कि हम ये प्राइस जो हायर दैन एक्म प्राइस है बट फ्लोर है वो उसको ऑफर करें और ये वहीं पर मुमकिन होता है जब हम देखते हैं कि देर मे बी सर्टन अदर फोर्सेज पिन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में तो ये क्वाइट कॉमन है क्योंकि जिस टाइम प्रोड्यूसर मार्केट में सेल करने जा रहा होता है तो उस वक्त आप देख रहे होते हैं क्योंकि बींग द पेरिशेबल कमोडिटी वो तमाम की तमाम प्रोड्यूस जो है वो एक ही स्मॉल टाइम स्पैन के अंदर मार्केट में आ जाती है और चूंकि उसमें पेरिशिबिलिटी है जल्दी ख़राब हो जाना है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन कमीशन एजेंट्स और द अदर जो है वो प्रोड्यूसर को एक्सप्लाइट कर लें तो उस एक्सप्लाइटेशन तो की वजह से मार्केट में जो प्राइस ऑफ़र हो रही है वो बहुत कम हो रही हो तो उसके इंटरेस्ट को प्रोड्यूसर के सेफ गार्ड करने को हम यहाँ पे जो उसको हायर प्राइस ऑफर कर देते हैं और यही डायग्राम अगर हम लेबर के हवाले से लें तो भी हम कहते हैं कि मार्केट में अगर डिमांड जो है उसकी जो इस फॉर्म में हो और उसकी अमाउंट में अगर देखें कि वो इस लेवल पर एकब्रियम हो रहा हो और लेकिन ये इक्िब्रियम प्राइस उसकी मार्जिनल वैल्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी की इक्वेट में ना हो बल्कि उससे कम पे भी हो सकती है और लेकिन उसकी वेस्टेड इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए अगर वो लेबर है तो हम उसको थोड़ी सी मिनिमम वेज की फॉर्म में हायर प्राइस ऑफर कर सकते हैं तो लाइक वाइज दी सपोर्ट प्राइस और द मिनिमम प्राइसेस देर आर द वेरियस पॉलिसीज जब हम ये कभी किसी कंज्यूमर को सेफ गार्ड करने के लिए भी यूटिलाइज करते हैं और कभी किसी प्रोड्यूसर को भी सेफ गार्ड करने के लिए कर रहे होते हैं लेकिन ये मोस्टली जो है सर्टन इनपुट्स और सर्टन कमोडिटीज दोनों के हवाले से ये यूटिलाइज की जा सकती है